पीड़ा थी, एक साहस था लोगों से लड़ने का। You know, there's a fine line between sensationalism and reality. और आपके मूवीज में स्ट्रेंजली ये पता नहीं कैसे इनका गठबंधन हो जाता था, इनकी शादी हो जाती थी, इसमें कितना आपको सेंसेशनलाइज थोड़ा करना पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगा। मुझे लगता कि उल्टा मुझे फिल्टर करना पड़ा, क्योंकि हम लोग को पिक्चर सेंसर भी करनी पड़ती है, तो हम लोग को कई जगह अपना फिल्टर करके उसको लाना पड़ा। तो एक घंटा 55 मिनट की पिक्चर है, उसके अंदर हम पूरी चीज नहीं दिखा सकते, और लालच भी होता है कि ये भी डाल दो वो भी डाल दो, लेकिन देन यू हैव टू सी कितना इसका इंपैक्ट होता है। तो मेरे ख्याल से हमने जितना है प्रिसाइज है पिक्चर को, और मुझे लगता है कि मैं ह्यूमन स्टोरी बताया उस पिक्चर के अंदर। हमने देखा कि किस तरह से लोग पर्सनल जो है पर्सनल जर्नी है सबकी, जितने चार किरदार चार स्टोरी जो है उनकी पर्सनल जर्नी है, उनकी पीड़ा है, किस तरह से वो जूझते हैं, किस तरह से लॉकडाउन में उन्होंने चीज़ों को देखा या महसूस किया, उन चीज़ों पर हमने ज़्यादा भी ये दिया है, ताकि सेंसेशनल मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। और मेरे ख्याल से मैं हमेशा फिल्में बनाया हूँ स्टोरी टेलर, अलग अलग फिल्म बनाता हूँ और लोगों को हंसाता हूँ। अभी पब्लिक बॉक्स में लोगों को हंसाया मैंने, जो एक फैमिली एंटरटेनर बहुत ही लोगों ने ऐसे प्रसन्न किया सफल नहीं करने के लिए। और इंडिया लॉकडाउन बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग फिल्म है, दोनों अलग फिल्म है, वो एक एंटरटेनर फैमिली थी और ये एक हार्ड हिटिंग फिल्म है, जो आप लोगों को कई चीज़ हो जाएगा जो ह्यूमन कनेक्ट है इस पर लोग हमेशा कनेक्ट।